सप्तपुरियों में सर्वप्रथम पुरी के तौर पर विख्यात श्री अयोध्या धाम में रामलला मंदिर निर्माण के साथ ही श्री राम से जुड़े 148 आध्यात्मिक स्थलों का भी पुनरुद्धार का कार्यक्रम जारी है। साथ ही अयोध्या के अलौकिक वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए सरयू माँ की गोद में 22 फरवरी से विशाल लक्ष चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामलला सदन पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने। अयोध्या के पुनर्विकास में नई अयोध्या और पुरातन अयोध्या में एक तरफ तो जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको संजो करके रखने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी ओर विकास की धारा बह रही है जो कि नई अयोध्या में है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है इस वक्त श्री रामलला सदन अयोध्या में जो पीठाधीश्वर हैं जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो स्पष्ट तौर पर जो अभी आध्यात्मिक जो स्थान है अयोध्या में जिनका चयन किया गया है उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये जो अयोध्या राम जन्मभूमि के अलावा जो विकास हो रहा है जो आध्यात्मिक स्थलों का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या में 148 पौराणिक तीर्थ हैं जिनका पुराणों में रुद्रयामल ग्रंथ में वर्णन है और वो सारे तीर्थ भगवान श्री राम के इतिहास से भी जुड़े हुए हैं, तो उन सब के विकास का कार्य अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या में श्री राम लला देवस्थान, जिस स्थान की देखरेख मैं करता हूं, वो भगवान श्री राम का नामकरण स्थल है जहां पर चारों भाइयों का नामकरण हुआ था। तो आज अयोध्या का बड़ा ही अद्भुत विकास हो रहा है और सारे तीर्थों का सौंदर्यीकरण हो रहा है और जब सारे तीर्थों का विकास होगा तभी संपूर्ण अयोध्या प्रकाशित होगी। महाराज जी, 1 से 1.5 लाख लोग ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन में आएंगे, क्या वाकई अयोध्या तैयार है इतने लोगों का स्वागत करने के लिए? और अयोध्या पूर्ण रूप से तैयार है, राम जन्मभूमि के उद्घाटन की पूरी तैयारी हो चुकी है और सरकार और प्रशासनिक वर्ग के लोग बड़े ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और 22 जनवरी को भगवान रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होंगे, उसके बाद सभी दर्शनार्थियों के लिए द्वार खुला रहेगा, सब प्रकार की सुविधाएं सृजित की जा रही हैं और सभी संत स्वागत करने के लिए बैठे हैं। कि 22 फरवरी से शायद अयोध्या में सबसे बड़ा यज्ञ आप आयोजित करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या तैयारियाँ हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के नव्य भव्य मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पश्चात 22 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 तक भव्य लक्ष चंडी महायज्ञ का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है, जिसका संयोजकत्व मेरा है, मेरे ही संयोजकत्व में वो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और उसकी अध्यक्षता स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, प्रखर परोपकार मिशन के जो अध्यक्ष हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और सरयू जी के पावन पुलिन में, सरयू के गर्भ में, लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई जाएगी और वहीं पर मंडप का निर्माण होगा और वहीं पर ये यज्ञ होगा। 1500 ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, अनुष्ठान होगा, 100 ब्राह्मण यज्ञ कुंड पर बैठेंगे और भी बहुत सारे उसमें धार्मिक आयोजन होंगे। तो यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। अगर आप 22 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं प्रशासनिक प्रतिबंधों के वजह से, तो आप 1 महीने बाद 22 फरवरी से 9 मार्च तक इस महायज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही रामलला के दर्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD News, दिल्ली।